हेलो गाइस, आई एम पर्वत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आफ्टर 2 मंथ बाद, मतलब मैंने अपनी वीडियोस रेगुलरली पोस्ट करना जो शुरू किया था वो अप्रैल में किया था। इससे पहले मैंने दिसंबर में 4 या 5 वीडियोस डाली थी छोटी छोटी, पर उसके बाद में बीच में कनेक्शन टूट गया। तो उसके बाद जो कल लॉकडाउन हुआ और जो टीचर्स यानी कि स्कूल बंद हो गए और न्यू स्कूल ओपनिंग के बाद में, मतलब जैसे ही नया सेशन स्टार्ट हुआ तो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता था, तो उसी टाइम मैंने अपने जो नया ये यूट्यूब चैनल है इसको रेगुलरली स्टार्ट किया। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं बेसिकली अपना जो वीडियोस है वो शूट कैसे करती हूँ। तो थोड़ा सा फनी है क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, ना मेरे पास कोई ऐसी चीज है, लाइटनिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो एक हाँ, माइक जरूर है बोया का, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले आपने देखा होगा मेरे जो वीडियोस होते थे वो टेबल टॉप वाले होते थे कि नीचे नोट्स होते थे, ऊपर ऐसे कैमरा होता था और मैं लिखती जाती थी और वैसे ही वीडियोस बनाए होते थे, या फिर लिखे हुए नोट्स जो थे उनसे मैं आप अपने वीडियोस जो है उनको शूट करती थी। ठीक है, उसके बाद में मैंने जो है वो थोड़े से पीपीटी वाले जो वीडियोज हैं वो शूट करना स्टार्ट किया। पीपीटी वाले वीडियो भी मैं किसी दिन आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि आप कैसे बना सकते हो और कैसे उनको शूट कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि अभी जो रिसेंटली मैं फेस कैम वाले वीडियो शूट कर रही हूँ, दैट इज विद व्हाइट बोर्ड, तो वो मैं कैसे शूट करती हूँ। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ, जो थोड़ा सा फनी है बट देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने सेटअप की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगी, टेबल टॉप वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे उसको शूट कर सकते हो। अगर आपके पास नोट्स बने हुए हैं तो कैसे आप टेबल टॉप वाला वीडियो जो है वो भी शूट कर सकते हो। ठीक है, तो मूव करते हैं पहले की तरफ, जो व्हाइट बोर्ड वाला है उसको कैसे शूट करती हूँ। तो उसके लिए चलते हैं थोड़ा सा साइड में। ठीक है, बेसिकली जो ये रूम है ना, ये जहां पे मैं अपने वीडियो शूट करती हूँ, आजकल थोड़ा लॉकडाउन चल रहा है तो सारे घर पे होते हैं और जो हमारे साथ में घर है वहां पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, काम चल रहा है थोड़ा, तो शोर बहुत आता है। तो हमने भी रिसेंटली क्या किया था, कंस्ट्रक्शन अभी हमारी खत्म हुई है तो ये जो रूम है ये सबसे लास्ट में है, स्टोर रूम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे कोई नहीं आता। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे ना फैन भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फैन भी नहीं है, ये देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो वीडियो शूट करती हूँ मैं वो विदाउट फैन करने पड़ते हैं और इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ पे, मतलब हम पंजाब के एक रीजन में रहते हैं यानी कि राजस्थान के साथ लगता हुआ जो पंजाब है वहां पे रहते हैं, तो काफी यहाँ पे गर्मी होती है। उसके बावजूद भी मैं 10 मिनट शूट करती हूँ, फिर जाके फैन से जो हवा लेके फिर पसीना सही होता है, फिर वापस आती हूँ, फिर 10 मिनट शूट करती हूँ, फिर वापस जाती हूँ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गर्मी जो है वो यहाँ पे होती है। तो मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह के टाइम 4 बजे 3 बजे ऐसे वीडियो शूट हो जाए तो ठीक है, क्योंकि उस टाइम पसीना नहीं आता। पर उस टाइम फिर मैं जोर जोर से बोल के शूट करती हूँ ना, बड़ी डांट पड़ती है मेरे को। तो चलते हैं पहले उस सेटअप की तरफ। ठीक है, ये आप देख रहे हो कि ये मेरा व्हाइट बोर्ड है जिसके ऊपर मैंने अभी अभी 8th क्लास का एक लेसन बनाया वो लिखा हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे साथ में क्या है। तो यहाँ पे साथ में ये एक चारपाई है, चारपाई के ऊपर एक ट्रंक है, ऊपर 2 बाल्टी है, उसके ऊपर 2 बॉक्सेस हैं और मेरा ट्राईपोड का काम करता है ये भाई बेचारा, एक बॉक्स। ठीक है, तो इसके अंदर फ़ोन डाल के तो मैं क्या करती हूँ, शूट कर लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे होता है, ये फ़ोन जो है ये इसके अंदर डाल लेती हूँ। तो यहाँ से देखिए विजिबल हो रहा है पूरा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके इसके अंदर डाल के साथ में माइक अटैच करके मैं यहाँ से अपना जो वीडियो है उसको शूट करती हूँ। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा स्लिप करेगा क्योंकि इसके कवर नहीं है अभी, तो करती मैं इसी से हूँ क्योंकि इस फ़ोन से नहीं दूसरे फ़ोन से करती हूँ। यहाँ से ये दिख नहीं रहा पर ये देखिए। ठीक है, तो ये ऐसे पूरा ब्लैक बोर्ड जो है वो, वाइट बोर्ड सॉरी, जो है वो इसके अंदर आ जाता है और इसको जूम करके यहाँ से जो वीडियो है वो मैं अपना शूट करती हूँ। तो आप बेसिकली देख रहे हो कि कितना जुगाड़ करना पड़ रहा है। सारी जो पेंट की बाल्टियाँ हैं वो मैंने अपने यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं और वीडियो शूट करने के टाइम बहुत दिक्कत होती है। अब मैं दिखाती हूँ कि देयर इज़ नो फैन, कोई फैन नहीं है, सिर्फ एक लाइट ये है और ये मैंने खुद ही अटैच की है, पहले होती नहीं थी तो ये मैंने खुद ही अटैच की है, कोई भी लाइट्स नहीं है यहाँ पे। तो बहुत मुश्किल होती है और यहाँ पे शूट करना होता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही मैं जो अपना वीडियो है वो शूट करती हूँ, इसके अंदर मेरा जो फ़ोन है वो आता है, यहाँ इतनी दूरी पे पड़ा होता है, साथ में माइक लगा होता है और उधर मैं लिखती जाती हूँ और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड होता जाता है। उससे पहले की बात अगर मैं बताऊँ कि गाइस, जो मेरे टेबल टॉप की वीडियोज़ है वो कुछ ऐसे शूट होती थी, ऐसे मैं इसको रख देती थी फ़ोन को और नीचे आप देख रहे हो कि सारा का सारा जो है वो इसके अंदर दिख रहा है। अपनी कॉपी को रोटेट करके या हम ऐसे इसको दिखा सकते थे। तो ये मेरा मेथड था अपनी जो टेबल टॉप वाली वीडियोज़ थी उनको शूट करने का।
तो इसके लिए मैंने क्या किया था, मैंने ये जस्ट दो हार्ड कवर वाली बुक्स ली हैं जिनका कवर क्या है हार्ड है थोड़ा सा, इनको टेबल पे रखा है, इनके ऊपर कुछ बुक्स रख दी हैं और इसके बीच में आप ऐसे अपना फोन जो है वो रख सकते हो। और इसके अलावा आप इसको थोड़ा सा पास में करके इस तरह भी अपना फोन जो है वो आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। तो किसी मेथड से जैसे आपको सही लगता है आप वैसे इसको रख सकते हो, ये थोड़ी ऊपर नीचे है, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसको रख सकते हो, ऐसे भी आप इसको रख सकते हो, कैसे भी जैसे आपको सही लगे, आपकी बुक्स जो नीचे वाली हैं वो आपको क्लियर हो वैसे आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये आपको पूरा दिख रहा है इसके अंदर। तो ये था कुछ मेथड मेरा टेबल टॉप वीडियो को शूट करने का। फ्रेंड्स, ये आपने देखा कि मेरे वीडियोस बेसिकली कैसे शूट होते हैं, तो अभी भी मेरे को बहुत पसीना आ रहा है। ये वीडियो शूट करने के बाद में मैं डायरेक्ट फैन वाले रूम में जाने वाली हूँ। तो आप यहाँ पे सोच के देखो कि मैं जो टोटली वीडियोस बनाती हूँ, डेली का एक वीडियो हर क्लास का नॉर्मली होता है, कई बार एक आधी का हो जाता है। तो अगर मैं आज की बात करूँ, मैंने 10th क्लास का भी बनाया है, 8th क्लास का भी बनाया है, 9th का मैथ्स भी बनाया है और प्लस 2 का अभी मैं शूट करने वाली हूँ। तो काफ़ी काम जो है वो हो जाता है यहाँ पे शूट करने में, पर बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और एक टीचर के लिए उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वही सब कुछ होते हैं। तो मेरे लिए सबसे पहले वही हैं स्टूडेंट्स। अब मैं फ्री हूँ तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकती हूँ, और बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, साइंस वाले वैसे भी बहुत जुगाड़ी होते हैं, ठीक है। तो जुगाड़ लगाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल होता है। तो ये थोड़ा सा सेटअप था, मेरे को देख के खुद को हंसी आती है कि दिखा रही हूँ मैं आपको, लोगों को देख के भी हंसी आएगी कि ये क्या कर रहे हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको भी ये लगेगा कि मैम लॉकडाउन में उड़ गए, फ्यूज़ उड़ चुके हैं उनके दिमाग के। बट एक चीज़ मैं बोलने चाहती हूँ कि बच्चे आपका लॉस हो, इससे अच्छा मैडम को थोड़ी गर्मी लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाद में। अभी तो मौसम फिर भी 2 दिनों से बारिश आ रही है तो ठंडा है, ठीक है। तो उससे पहले जब मैं ना अपने वीडियोस टेबल टॉप वाले बनाती थी ना, मेरे पास ये टिंगू सा फ़ोन होता था, इससे मैं बनाती थी। इतनी क्लैरिटी इसकी नहीं आती थी और इसकी मेमोरी भी ना हमेशा उड़ी हुई रहती थी, मेमोरी स्टोरेज वाला आया ही हुआ रहता था, लेस स्टोरेज, ठीक है, क्लीन करो। उसके बाद में मैंने अपने 2-2.5 महीने की सैलरी निकाल के और फिर मैंने एक फ़ोन लिया, न्यू पोको X2। उसके बाद में मैं अब उसी से शूट करती हूँ। तो मेरे पास ट्राईपोड नहीं है, ट्राईपोड आपको मैंने दिखाया है कि कैसा मेरा ट्राईपोड है, कैसे उसके अंदर फ़ोन जाता है। पेंट वाली बाल्टियाँ इकट्ठे की है, मम्मी के ट्रंक इकट्ठे कर लिए। अब अगर बाय चांस इनमें से कुछ गिर गया और कुछ टूट गया ना, फिर वाट लग जाएगी। तो स्टोर रूम में बेसिकली शूट करना थोड़ा सा ना ऐसे एडवेंचरस सा लगता है कि देखो लोग दुनिया पंखे के नीचे बैठे हैं और हम लोग ओपनली हैं, ठीक है। तो ये था बड़ा सा स्टूडियो और उसका आपको एक लुक दिखाया था मैंने, ठीक है। देसी जुगाड़ी सा स्टूडियो है बट अपना काम मस्त चल रहा है एकदम, ठीक है। तो एक चीज क्या है कि YouTube के ऊपर ना कोई ये नहीं देखता कि आप कितने महंगे ट्राईपोड से शूट कर रहे हो, आपके पास ट्राईपोड है, माइक है, कैसा है, कुछ नहीं। आपका जो वीडियो है उसके अंदर अगर कंटेंट अच्छा है तो वो वीडियो YouTube पे चलेगा। अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, चाहे आप DSLR से शूट कर लो, चाहे आपके पास 10,000 का जो ट्राईपोड है वो है, तो वो नहीं चलता है, ठीक है। तो बेसिकली जो अपना फोकस है वो अपने वीडियो के कंटेंट के ऊपर रखिए कि आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो टेबल टॉप वाले वीडियोस भी चलते हैं, सिंपल ये व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस भी चलते हैं, और ये जो मेरे वैसे जैसा ट्राईपोर्ड जिसके पास है ना, उनके वीडियोस भी भागते हैं, रातों रात वायरल हो जाते हैं। तो आप ये चीज अपने ध्यान में रखिए कि कोई चीज मैटर नहीं करती है, मैटर सिर्फ क्या करता है कि आपके वीडियो के अंदर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टिप था कि जरूरी नहीं है कि कई लोगों के मन में ये होता है कि हाँ YouTube चैनल स्टार्ट करेंगे तो ये चाहिए होगा। अरे भाई मेरे पास कुछ नहीं है, ये फोन भी अगर मैंने लिया है तो ये मेरे को लेना ही था। मैं ये सोच रही थी कि आफ्टर द लॉकडाउन लूंगी, पर मेरे को लॉकडाउन के दौरान ही लेना पड़ा, वो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए कि चलो उनका थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, मेरे को तो लेना ही है, चाहे महीना ठहर के लूं चाहे अभी लूं, तो इसीलिए मैंने ले लिया। बाकी ये इतना कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए फोन चाहिए था। इस फोन के आने से पहले भी यूट्यूब चैनल मेरा चल रहा था, 1 महीना मैंने उसी से पढ़ाया, ये तो अभी आया, 1 महीना भी नहीं हुआ इसे तो आए हुए। तो आप अपने कंटेंट के ऊपर फोकस रखिए, आपका वीडियो जरूर चलेगा। तो इसके बाद हम मिलेंगे अपने पीपीटी वाले वीडियोस के साथ। पीपीटी क्या है? वीडियो यानी कि जैसे WPS ऑफिस आता है, हर एक फोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड होता है, कईयों के अंदर इंस्टॉल करना भी पड़ता है, तो उसके अंदर ना बहुत अच्छी वीडियोस बनती हैं।
आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देखना, प्लस वन की मैंने वीडियोस बनाई है, फिजिकल वर्ल्ड नाम है उसका, मतलब प्लस वन का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, फिजिकल वर्ल्ड, उसकी मैंने वीडियोस उस WPS ऑफिस के ऊपर बनाई है। आप देख के देखना, उनकी क्वालिटी इस व्हाइट बोर्ड से बहुत अच्छी है। पर पता क्या है, जब फिजिक्स और मैथ्स करवाते हैं ना, तो चीजों को ड्राइव करना पड़ता है, और हर एक चीज अगर मैं वहां पे छाप दूंगी तो वो समझ में नहीं आएगी, तो कई बार मेथड चेंज भी करना पड़ता है, कई बार कोई चीज जो है वो लिखी भी नहीं जाती, हमारे पास उसका फॉन्ट भी नहीं होता। तो थ्रेटिकल अगर आपका काम है तो बेस्ट है, दो चार फॉर्मूला आपके पास है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा डेरिवेशन नहीं होती, बायोलॉजी के अंदर ज्यादा डेरिवेशन नहीं होती, तो डायग्राम्स आप साथ में इंक्लूड कर सकते हो उसमें बहुत अच्छे से, मैंने भी कर करके दिखाए हैं, आप मेरे चैनल की वीडियोस देखना। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे उसकी कैसे मैं वो वीडियोस बनाती थी उसके ऊपर, पूरा एक मैं आपको वीडियो बना के दूंगी, हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए, आपका चैनल थोड़ा सा बढ़ने लग जाए, या आप भी अपने स्टूडेंट्स को हेल्प कर सको। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जो अपने स्लाइड शो वाले यानी कि PPT वाले वीडियोस हैं उसके अंदर।